In C part, we are having R dot S minus 2T I cap plus 3 minus T J cap plus 2S plus T into K cap. This is equal to 15. Again, this is the vector form given to us. We are to convert this to the Cartesian form. For converting this to the Cartesian form, आपने क्या करना है, R को यू विल रिप्लेस विद एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट विद द सेम. सो दिस इज एस माइनस टू टी आई कैप थ्री माइनस टी जे कैप प्लस टू एस प्लस टी के कैप इज इक्वल टू जो आपका D है, दैट विल बी रिटन एज इट इज. इसको आप एज इट इज लिखोगे. अब आपने करना क्या है, यहाँ पे x के साथ ये वाला, y के साथ ये वाला और z के साथ ये वाला, यानी कि जो आपके i's के कोफिशिएंट्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट करके लिख दो. सो दिस वी विल बी हैविंग एज s माइनस टू टी इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस टी इंटू वाई प्लस टू एस प्लस टी इंटू जेड इज इक्वल टू 15. So again, this is the required Cartesian equation. So this was your question number 3, part C. Now moving on to question number 4. Question number 4, may we will use the direct formula. We are given in the following cases, find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin. Foot of the perpendicular drawn from the origin is given by L into D, M into D, and N into D. Coordinates of foot of perpendicular drawn from origin to the plane. That is given by L into D, comma M into D, comma N into D. जहाँ पे L, M, N आपके direction को signs हो जाते हैं and D is the distance from the origin. तो अब यहाँ पे हमें given है plane की equation. So first of all we are to find the direction को signs. जो आपको प्लेन में इक्वेशन में जो है डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको गिवन होंगे तो यू विल कन्वर्ट दैट टू द डायरेक्शन कोसाइंस. हमें गिवन है इक्वेशन 2x plus 3y plus 4z minus 12 is equal to 0. So इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. डिस्टेंस ऑन द राइट हैंड साइड एंड इट शुड बी पॉजिटिव. तो माइनस 12 इधर आके प्लस 12 हो जाएगा. ऑलरेडी दिस इज पॉजिटिव. अब 2, 3, 4 को अगर हम चेक करते हैं तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो है अंडर द रूट दैट इज रूट 29 नॉट इक्वल टू 1. यानी कि ये हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन को साइंस नहीं गिवन है. जो 2, 3, 4 हमें गिवन है दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज. अगर इनके स्क्वायर्स का सम अंडर द रूट 1 आ रहा होता या सिंपली हम कहें कि इनके स्क्वायर्स का सम अगर 1 आ रहा होता तो ये डायरेक्शन को साइंस होते. देन हम डायरेक्ट हमें एल एम एन की वैल्यूज लेके फॉर्मूला में पुट कर देते. बट इन अब क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो इनको डायरेक्शन को साइंस में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बोथ साइड्स बाय सेम चीज. ये आप रफ में करके देख लेना. दैट इज रूट 29. सो दिस इज 2 बाय रूट 29 एक्स प्लस 3 बाय रूट 29 वाई प्लस 4 बाय रूट 29 जेड इज इक्वल टू 12 बाय रूट 29. अब हमने फॉर्मूला लगाना, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो वी विल यूज दैट कोऑर्डिनेट्स. यहां से पहले आप हम L M N लिख लेते हैं. L is 2 by root 29, M is 3 by root 29, N is 4 by root 29.
एक्स वाला जो है आपका कॉफिशियंट दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एल, वाई वाला विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एम, जेड वन विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एन। जो राइट हैंड साइड पे है दिस इज डी, ये आपकी इक्वेशन बन रही है प्लेन की ऑफ द फॉर्म एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। तो एल एम एन हो गए और डी हो जाएगा आपका 12/√29। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू प्लेन आर गिवन बाय एल डी कॉमा एम डी कॉमा एन डी। पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। 2/√29 इंटू 12/√29। एल और डी की वैल्यू हमने पुट कर दी, देन एम और डी की वैल्यू पुट करोगे और एन और डी की वैल्यू पुट करोगे। दिस इज 3/√29 इंटू 12/√29, देन 4/√29 इंटू 12/√29 दैट इज 24/29, 36/29 एंड 48/29। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ का ए पार्ट था ये। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी। बी एंड सी यू विल डू एज योर होमवर्क पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी जो है, जब आपको इस तरीके से इक्वेशन गिवन होती है तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। दिस वॉज पार्ट ए। बी एंड सी आर योर होमवर्क पार्ट। बी पार्ट में वी आर गिवन 5y+8 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो दिस 8 शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड, कॉन्स्टेंट है क्योंकि दिस शुड बी पॉजिटिव। तो -5y भी आप ले सकते हो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -y इज इक्वल टू 8/5। अभी मैं इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी तो दिस इज इक्वल टू 8/5। अब जब आप इसको चेक करोगे तो यू विल सी कि जो आपका यहाँ पे है एल एम और एन, इनके स्क्वेयर्स का सम, एल एम और एन के स्क्वेयर्स का सम आपका 1 बन रहा है। 0-1 0। तो इट मीन्स दीज आर ऑलरेडी द डायरेक्शन कोसाइन्स गिवन टू यू एंड द डिस्टेंस इज 8/5। सो द फुट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एल डी कॉमा एम डी कॉमा एन डी। तो 0 × 8/5 इज 0, -1 × 8/5 इज -8/5, 0 × 8/5 इज अगेन 0। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन आर गिवन बाय दिस। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4। अप टू दिस पॉइंट इफ एनी वन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर डाउट, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन वी आर गोइंग टू यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। हमें यहाँ पे गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर गिवन अ पॉइंट थ्रू विच द प्लेन इज पासिंग एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज गिवन। तो हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी है इन द वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म, यानी कि वी आर गिवन द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एज वेल एज द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। ए गिवन है हमें और एन गिवन है हमें। वी आर टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एज वेल एज द कार्टेशियन इक्वेशन। तो आपको इसका अगर रिजल्ट इफ यू रिमेम्बर तो यू कैन डायरेक्टली डू द फॉर्म दिस क्वेश्चन।
वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन इट इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू द वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन इज ऑल्सो गिवन, दैट इज आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो. एंड कार्टीजियन इक्वेशन इज गिवन बाय ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी जो है वो आपके डायरेक्शन रेशियोज है नॉर्मल के, और एक्स वन वाई वन जेड वन जो है दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट थ्रू विच द प्लेन इज पासिंग. तो ये आपको गिवन है. So these two results we will use in question number 5. Part A. Question number 5, part A mein, this passes through the point 1, 0, minus 2. Ye hume point given hai. And normal to the plane is I plus J minus K. तो ये दो चीजें हमें गिवन है कि जो हमारा प्लेन है दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 0, -2 एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज आई प्लस जे माइनस के. तो सबसे पहले हमें इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखनी है. तो वेक्टर इक्वेशन के लिए हम पोजीशन वेक्टर ए की जिस पॉइंट से पास कर रहा है इसके हम जो है लिखेंगे पोजिशन वैक्टर्स. तो दैट विल बी आई कैप प्लस जीरो जे कैप, जिसको आप स्किप भी कर सकते हैं, माइनस टू के कैप. सो दिस कैन बी रिटन एज आई माइनस टू के कैप. नॉर्मल टू द प्लेन आपको गिवन है. तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू दिस ए एंड नॉर्मल टू द वेक्टर जिसको गिवन है हमें, दैट विल बी गिवन बाय आर माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विद द नॉर्मल वेक्टर and this is equal to z. So this is the required vector equation. R minus I minus 2k dot I plus j minus k cap is equal to 0. Now for the same, we are to write down the Cartesian equation. So Cartesian equation ke liye aapke jo a honge, a, b, c, wo yahan se aapko values milengi. A, b, c are the direction ratios of the normal. तो ए इज वन, बी इज वन, सी इज माइनस वन. नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जो इन आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स हैं विद साइन, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ ए बी सी. पहला वाला ए की वैल्यू देगा, सेकंड वन विल गिव यू द वैल्यू ऑफ बी, थर्ड वन विल गिव यू द वैल्यू ऑफ सी. एंड जो आपके यहाँ पे एक्स वन, वाई वन, जेड वन है, दे आर दीज. जिस पॉइंट से वो पास कर रही है दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्स वन, वाई वन एंड जेड वन. और जो आपको नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है, नॉर्मल वेक्टर गिवन है, वहां के जो आई कैप, जे कैप और के कैप के आपके कोफिशिएंट्स हैं, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल. अब हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन के लिए फॉर्मूला वी आर हैविंग ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो. Put the values. So a into x minus x1, b into y minus y1, c into z minus z1 is equal to 0. So a is 1 into x minus x1 is 1. Simply ab hum inki values put kar rahe hain b aur y1 ki. B is 1, y as it is, minus as it is, y1 ki jagah 0, plus c ki jagah minus 1. z as it is, minus z1 ki jagah minus 2. So this is equal to 0. Now simplify this, rewrite this and you will get your answer. So on rewriting this, we will get 1 into x minus 1, that is x minus 1, plus y, minus 0 into 1 is 0. Now this is minus z, minus into minus is plus 2, then again minus 2. Is equal to 0. Now rewriting, x plus y minus z minus 3 equal to 0. So this
एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3. सो दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन. बी पार्ट इज सिमिलर टू दिस, सो दैट इज योर होमवर्क पार्ट. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दैट कंटेन्स द 3 पॉइंट्स. अब इक्वेशन ऑफ प्लेन्स हमें निकालनी है जिनमें ये तीनों पॉइंट्स जो है वो है गिवन. तो दैट इज गिवन बाय, उससे हम निकाल लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म से, क्योंकि यहाँ पे मेंशनड नहीं है. वैसे तो जब मेंशनड नहीं होता तो यू आर टू फाइंड बोथ द वेक्टर इक्वेशन एज वेल एज द कार्टेशियन इक्वेशन. बट अगर वो क्वेश्चन आपका लेट अस सपोज कि 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ जाता है, देन यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द इक्वेशंस दैट इज ऑफ योर चॉइस. जिस मर्जी मेथड से आप उसको लिख सकते हो. सो फर्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए. मैं दोनों करवा देती हूँ, एक से वेक्टर इक्वेशन करवा देती हूँ, दूसरे से कार्टेशियन करवा देती हूँ. फर्स्ट हमें गिवन है 1, 1 माइनस 1. तो x1 y1 z1 हम ले लेंगे. देन सेकंड पॉइंट इज 6, 4 माइनस 5. लेट दिस बी x2 y2 and z2. एंड द थर्ड पॉइंट इज -4, -2 and 3. लेट दिस बी x3 y3 and z3. अब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है दैट इज गिवन बाय कंडीशन. ये जो है देखो मस्ट है कि पॉइंट्स शुड बी नॉन कोलिनियर. अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो देयर आर इनफाइनाइट प्लेन्स दैट विल पास थ्रू दैट 3 पॉइंट्स. तो फर्स्ट पॉइंट था तो x-x1 y-y1 z-z1. फॉर्मूला है आपका ये x-x1 y-y1 z-z1. देन x2-x1 y2-y1 z2-z1. देन x3-x1 y3-y1 z3-z1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यूज. दिस इज x-x1 y-y1 z-z1. नाउ द नेक्स्ट रो वी आर हैविंग x2-x1. तो 6-1 4-1 -5 -1 दैट विल बी -4. नाउ द नेक्स्ट वन x3-x1. सो दिस विल बी -5. देन y3-y1 दिस विल बी -3. z3-z1 दैट विल बी 4. तो अब अगर आप इनको देखो, यहाँ से अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेती हूँ, या आपको अगर नहीं भी ऐसे डायरेक्ट समझ आता तो आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0. या मैं अगर यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर ले लेती हूँ, -1 इधर ले लेती हूँ, तो 5, 3 and -4 बोथ द रोज इन दिस डिटर्मिनेंट विल बी सेम. क्योंकि दो रोज डिटर्मिनेंट में सेम आ गई, या दो कॉलम्स डिटर्मिनेंट में जब भी कभी आपके सेम आ जाते हैं तो वी आर हैविंग दैट डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0. तो ये डिटर्मिनेंट जब आप सॉल्व भी करोगे आपका 0 के इक्वल आएगा. तो जब ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि 0 इक्वल टू 0, यहाँ पे कोई इक्वेशन आपको नहीं मिली, इट मीन्स जो आपके गिवन पॉइंट्स हैं दे आर कोलिनियर. पॉइंट्स आपके क्या आ जाएंगे? कोलिनियर. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल इंप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, व्हिच इंप्लाइज द गिवन 3 पॉइंट्स आर और कोलिनियर पॉइंट्स जब हमारे पास है तो देयर कैन बी इनफाइनाइट प्लेन्स व्हिच कैन पास थ्रू दैट 3 पॉइंट्स. जैसे मैंने आपको ये भी एक एग्जांपल शो किया था कि जब पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर होते हैं तो लेट अस सपोज कि ये लाइन बन गई हमारे पास. तो जब ये हमारे पास एक लाइन बन जाती है तो उस लाइन से
ये जितने भी पेजेस हैं इसके, दीज आर ऑल पासिंग थ्रू दिस लाइन, तो इनफाइनाइट जो प्लेन्स हैं वो आपके पास कर रहे हैं. सो द गिवन थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड देयरफॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स विल पास थ्रू दीज थ्री पॉइंट्स. So this is your answer, that infinite number of planes will pass through these three points. Now the next question number 6 part B. A vector equation se main aapko ye karwa rahi hu. वेक्टर इक्वेशन का आपका फॉर्मूला था आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो. फाइंडिंग द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू दीज थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जिनके पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी है, तो दैट इज गिवन बाय R minus A dot product with B minus A cross C minus A. Cartesian आपको अब पता है, तो you can do that. अब A जो है उसका position vector हमें given है. A point हमें given है 110. B given है हमें 121. And C given है माइनस टू टू एंड माइनस वन. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएंगे आपके आई प्लस जे कैप, बी हो जाएगा आपका आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, एंड द सी विल बी माइनस टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप. अब हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स आ गए ए के भी, बी के भी और सी के भी. तो वेक्टर इक्वेशन में सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यूज. रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन या वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन दैट इज गिवन बाय आर को हमेशा आपने आर ही लिखना है, वेक्टर फॉर्म पता लगती है उससे आपको. माइनस एक इसका डॉट प्रोडक्ट विद बी माइनस ए. अब जब आप बी माइनस ए लोगे तो आई माइनस आई इज जीरो, टू जे माइनस जे इज जे कैप प्लस के कैप, इधर क्योंकि नहीं था तो इसको हम जीरो के कैप लिख सकते हैं. तो वन के माइनस जीरो के इज के कैप, तो दिस इज बी माइनस ए. इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद सी माइनस ए. अब सी इज माइनस टू, उसमें से माइनस आई करेंगे तो दैट इज माइनस थ्री आई कैप. देन टू जे कैप माइनस जे कैप इज प्लस जे कैप माइनस के कैप, दिस इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन. कार्टेशियन इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो कार्टेशियन इक्वेशन, नो नीड टू सॉल्व दिस, इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं. कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए एक्स माइनस वन वाई माइनस वन जेड माइनस जीरो. अब एक्स टू माइनस एक्स वन, वन माइनस वन इज जीरो, टू माइनस वन, वन माइनस वन, देन माइनस टू माइनस वन, दिस इज वन, दिस इज माइनस वन, माइनस थ्री वन माइनस वन, जीरो वन वन एंड वन वन, उसमें से माइनस कर रहे हैं आप एंड जीरो, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. You will simplify this and get your answer. So go through this row 2 or column 1 for simplifying this determinant, because 1 0 is there, so that will be easy for you to solve that. So this was your question number 6 part B. Now moving on to question number 7. Question number 7 again, क्या करना है हमने इसमें, फाइंड द इंटरसेप्ट.
कट ऑफ बाय द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। इंटरसेप्ट फॉर्म हमें पता है उसकी, दैट इज x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। यानी कि राइट हैंड साइड पे हमने 1 रखना है, एक्स वाई जेड के कोफिशियंट्स को हमने 1 रखना है। बस ये दो चीजें ध्यान रखोगे और जो आपको इक्वेशन गिवन है प्लेन की, वहां से यू कैन इजिली फाइंड आउट द इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इक्वेशन हमें गिवन है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। इक्वेशन ऑफ प्लेन वी आर गिवन 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। अब दो चीजें, x y z का कोफिशिएंट 1 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसको 1 बनाने के लिए डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। सो दिस विल बी 2 बाय 5x, 1 बाय 5y माइनस 1 बाय 5z इक्वल टू 5 बाय 5 इज 1। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x, y, z के जो कोफिशियंट्स हैं आपके, इनको क्या बनाना है हमने, वी आर टू मेक देम एज प्लस 1। तो सिंपली ये वाला 2 इधर नीचे, ये ऑलरेडी प्लस 1 है, ये वाला माइनस 1 इधर नीचे। सो दिस विल बी x अपॉन 5 बाय 2 प्लस y अपॉन 5 प्लस z अपॉन माइनस 5 इक्वल टू 1। x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट, z के नीचे z इंटरसेप्ट। तो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। अब इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, तो इंटरसेप्ट्स आर x इंटरसेप्ट इज 5 बाय 2, y इंटरसेप्ट इज 5 एंड z इंटरसेप्ट इज माइनस 5। So this is, these are the intercepts cut off by the plane. X intercept is 5 by 2. This is the X intercept. This is Y intercept. And this is the Z intercept. Comma डाल के जब हमने इनको sequence में लिखा है, तो that is understood कि X, Y, Z intercepts हमने लिखे हैं। Now question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले देखो एक चीज है कि अगर हम एक प्लेन ले रहे हैं विच इज पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन, तो पैरेलल क्योंकि जेड ओ एक्स प्लेन के है, तो दैट प्लेन जो है आपका, जो भी वो प्लेन होगा, दैट विल बी ऑफ द फॉर्म वाई इक्वल टू के। उसका सिर्फ वाई इंटरसेप्ट जो होगा वहां होगा, z और x वाले 0-0 लेके चलने हैं, उसके जो डायरेक्शन को साइंस है, तो वो y इक्वल टू k की फॉर्म में आपका आएगा, या y इक्वल टू a, y इक्वल टू b किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। इफ यू आर हैविंग x o y प्लेन, तो z इक्वल टू a की फॉर्म में हो जाएगा। सेम वे में इफ यू आर टेकिंग y o z प्लेन, तो दैट विल बी ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू b। यानी कि जेड एक्स में वाई मिसिंग है, तो वाई इक्वल टू वाली फॉर्म हो जाएगी। एक्स वाई में जेड मिसिंग है, तो जेड इक्वल टू वाली फॉर्म हो जाएगी। वाई जेड में एक्स मिसिंग है, तो एक्स इक्वल टू वाली फॉर्म हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। सो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अच्छा एक चीज और, जो ये के ए बी मैंने लिखे हैं, दीज आर द इंटरसेप्ट, जो यहाँ पे y इंटरसेप्ट होगा, यहाँ पे z इंटरसेप्ट होगा, इस केस में x इंटरसेप्ट होगा। तो आई होप यू कैन नाउ आंसर। अब हमें क्या गिवन है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू z o x प्लेन। z o x प्लेन के पैरेलल है और जो उसका y इंटरसेप्ट बन रहा है, दैट इज 3। तो अब इट मींस जो यहाँ पे मैंने k लिया है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू जेडो एक्स प्लेन, दैट इज y इक्वल टू y इंटरसेप्ट है, तो इट मींस ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, दिस इज y इज इक्वल टू 3। सो दिस विल बी द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। पहले आप लिख दोगे एनी प्लेन पैरेलल टू जेडो एक्स प्लेन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू k,
Here the y-intercept, that is k, is equal to 3. So the required equation of the plane is y equal to 3. So the next topic hai hamara, that is the intersection of the planes, that we will do tomorrow as the time is over. If any doubt is there in today's lecture, then you can unmute yourself and ask your doubt. If anyone is having any doubt, you can ask.